ग्राम अब्दुलपुर रमाकांत सनाब राम किशन के यहाँ लगी भीषण आग ने बहुत किया तहस नहस, जिसमें हुई लाखों रुपए की बर्बादी। हेलो दोस्तों, रियल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं पंकज कुमार आपके सामने एक ऐसा हादसा लेकर आया हूँ जो कि 24 तारीख दोपहर 2 बजे लगभग में लगी भीषण आग ने बहुत सारा तहस नहस कर दिया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, उस भीषण आग ने दोपहर के समय क्या क्या अपने लपेटे में लिया। और बात तो खैरियत यही रही, अच्छा रहा, नुकसानी केवल हुआ है, सभी लोग सुरक्षित रहे, घर से आसानी से निकल गए। और नुकसान जो है आपको मैं दिखा दूँ क्या क्या जला हुआ है, तो आपके सामने मैं लाया हूँ। देखिए, ये सारे जो थे वो झोपड़ियाँ रखी थी, इसमें भूसा था और कुछ इसी वर्ष काटी गई हुई पतार को, या ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा कि जल गया है। झोपड़ी को इस हिसाब से आग ने अपने लपेटे में लिया है कि वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। ये सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए कैसे सब तहस नहस हो गया है, लाखों रुपए का नुकसान इस तरीके से हुआ है। उस जलती हुई आग की लपटों ने तहस नहस सब कर दिया है। आपके सामने ये पड़ा इतना कीमती शब्द आयादि सब आग में जलकर तहस नहस हो गया है। तो मैं देखें कि ये बताया तो जा रहा है कि दोपहर का समय था, ये सब लाइट की वजह से हुआ है। मीटर के धज्जियाँ सब उड़ गई हैं, ये देखिए मीटर का कोई पता ही नहीं है, मीटर या क्या है मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ। ऊपर देखिए, मैं लपेट में आई है, ये मीटर का कुछ हिस्सा नीचे जलकर ऑटोमेटिक गिरा हुआ है। और मैं उस पोर्शन को दिखा देंगे तो आपके हालात ही ऐसे हो जाएंगे, आप देख के ही रह जाएंगे, क्या आपके मन में विचार ऐसा उठेगा। देखिए अंदर में, अब अंदर जो बाहर का नुकसान था वो मैंने आपको दिखा दिया है, अब अंदर जो भी नुकसान हुआ है, बाहर तो सब ऐसे ही उसा भूसा जला है, लेकिन भीतर जो कीमती चीज़ें थी उन पर क्या फेंक पड़ा है, क्या घर में जल गया है उनका। तो मैं आपको घर के लिए अंदर ले चलाऊंगा, देखें यहाँ पे क्या हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि सामने पड़ी हुई वस्तुएँ, यानी सारा कुछ डिटोल जितना भी जल गया है, ये सारा कुछ निकाल के बाहर लाया गया है। ये क्या क्या जला है इसमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मैं एक दूसरे से बात करके और पूछ करके आपको बताएं कि इसमें क्या क्या जला है, क्या क्या इसमें था। अब जली तो नहीं आप बता सकते, लेकिन कितने कपड़े जले हैं, कितनी कीमती वस्तुएँ जली हैं, और रखा हुआ कुछ हजारों की संख्या में पैसा की भी समाप्ति हो गई है। उस आग ने अपने लपेटे में ऐसा कुछ किया कमाल, जिसने सारा तहस नहस कर दिया है, चेहरे जल गई हैं, और ये रजाई यानी कपड़े जितने भी थे ये सब जले दिख रहे हैं आपको। इसमें क्या क्या जल गया भैया आपको पता है? एक लोग बोलो क्या क्या जला है? पैसे थे वो, तो कपड़ा क्यों, पैसे कितने जले हुए हैं? 25,000 जला हुआ है। और माला भी था साथ में। अच्छा, माला भी साथ में था। ये क्या दिख रहा है आपको? आई कार्ड दिख रहा है। ये किसका आई कार्ड था भैया? आप आओ, आप बताइए क्या क्या जला हुआ है, इसमें क्या क्या हो गया है, ये आग कैसे लगी थी? तो ये भाई साहब डले, भाई साहब ये आग कैसे लगी थी? आग लगने का कोई जरिया था, या किसी ने आग लगाई, या स्वयं से लगी है, किस वजह से आग लगी पता नहीं। लाइट कुछ तो लोग बता रहे हैं कि ये जो आग है लाइट की वजह से लगी है, मीटर फूका हुआ है, मैंने पहले दिखा दिया है, मीटर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। उस भीषण आग ने आसपास के पेड़ों को भी अपने लपेटे में लिया है। खैरियत ये रही कि ज़्यादा बीच में फैली नहीं, 2-4 घर फिर भी जल गए हैं, इस हिसाब से जले हैं कि इनके घर में सारा कुछ तहस नहस हो गया, तो कुछ बचा नहीं है। तो बात तो ये रही कि बच्चे घर में, बच्चे बाली बच्चे यानी घर परिवार फैमिली सुरक्षित घर के बाहर निकल पाए, और ये सब वस्तुओं का इतना ज़्यादा तहस नहस से नुकसान हुआ है जिसकी कोई वो ही नहीं की जा सकती है। अब मैं आपको अंदर वो दिखाऊं जहां से आग ने अपनी लपटों में लपेटा लिया, जहां पे सभी फैमिली वाले सुरक्षित दोपहरी को बैठे हुए थे, जिसके माध्यम से कमरे में जुड़ा रहे थे। अब मैं दिखाऊं वो क्या नुकसान हुआ है इनके अंदर। ये तस्वीरें उनके घर के अंदर कमरे की हैं, जहां पे ये आपको भीड़ पड़ा सुरक्षित दिख रहा है, इसी पे सभी लोग दोपहर के समय था, और दोपहर के समय में ही सुरक्षित सब लोग इसी पे आराम कर रहे थे। ऊपर जो कीट लगा हुआ है ना, आप इसके हालात देख पा रहे होंगे, इसकी पंखुड़ी नीचे को लटक गई है, इतनी भीषण आग अंदर आई थी। बात तो ये रही कि सभी लोग सुरक्षित घर के बाहर निकले। इन दिखने वाले सामने इन कपड़ों को तो देख करके हालत ही खराब हो जा रही है हमारी, क्योंकि एक एक से एक इसमें कीमती वस्तुएँ जल गई हैं।
ये आपको बैग जली हुई दिख रही है, इसमें सारा कुछ डिटोल था, सर्विस करने वाले एक दो लोगों के इसमें आई कार्ड थे, एटीएम था, पेटीएम वगैरह आज जो रखी थी वस्तुएं वो जल गया है, एक शादी का माला था वो भी जल गया है, और कुछ रुपए रखे थे वो भी इसमें जल गए हैं, आग ने अपने लपेटे में लिया है। तो मैं बताऊं इसमें एक से एक कीमती कपड़े हैं, चेयरें हैं आदि, जो कीमती सामग्री थी वही रही थी, और वो आग के लपेटे में आई और उसने तहस नहस किया। तो मैं आपको चलो और कुछ दिखाएं कहां आग ने अपना प्रभाव डाला है, कहां कहां पे इसने नुकसान पहुंचाया है। तो हम ऊपर से दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे आपको कि इसने कहां कहां ये नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों अब दिखाएंगे हम नीचे की ओर, आपको यहां से सारा दिखता है जितना नुकसान हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि दिखने वाली ये झोपड़ियाँ थी, इनमें हर कीमती वस्तु रखी थी, बताया तो जा रहा कि इसमें कहीं कहीं अनाज भी रखा था, वो भी साला जल के राख हुआ है। इसका मैं अनुग्रह करूँगा कि प्रधान जी साहब से कि इनको कुछ दिलवाया जाए, इनकी कुछ भरपाई कराई जाए, कुछ सहायता कराई जाए, जो नुकसान हुआ है। ये आग जो लगी थी ये लाइट की जरिए से लगी थी, अब पता नहीं लाइट कहाँ से मिस हुआ जिसने आग इतनी तहस नहस करके सारा बर्बाद कर दिया है। कोई घटना हुई है तो हमें सूचित करें। मैं पंकज कुमार राम अब्दुलपुर, मोबाइल नंबर आपको पहले ही दिया गया है। धन्यवाद।